السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين الكرام حياكم الله The Way of Salafia की जानिब से एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की जा रही है और ये कोर्स 8 दिन पर मुश्तमिल होगा जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होगी रोज़ाना शाम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जिस कोर्स का उनवान है उसूल ईमान की शरह शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है जिसमें उन्होंने अरकान इस्लाम की शरह की है हम अपने ईमान को कैसे बढ़ाएं असबाब और वो चीज़ें जो हमारे ईमान को घटा देती हैं उनका ज़िक्र ये हमारे कोर्स के मौजूआत में से होंगे एक अहम मौजू जो हमारे इस कोर्स में शामिल होगा वो है ईमान किन चीज़ों से बढ़ता है और घटता है इल्मुल अकीदा जिसका ताल्लुक़ हमारे दिल से है हमारे एतिकाद से है क्योंकि अगर इंसान का अकीदा सही होगा तो आमाल उसे फ़ायदा पहुँचाएँगे अगर ईमान फासिद होगा अकीदा फासिद होगा तो ज़ाहरी आमाल उसे नफ़ा नहीं पहुँचाएँगे जिस तरह सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरआन कहा जाता है इस हदीस को हदीस जिब्रील को उम्मुस सुन्ना कहा जाता है हदीस जिब्रील एक ऐसी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की और आपसे कई सवालात किए जिसमें से एक सवाल ये था मल ईमान ईमान क्या है तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान का जिक्र करते हुए कहा कि ईमान ये है अन तुमिन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़दर खैरिही व शर्रिही आपने कहा ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाओ उसकी किताबों पर ईमान लाओ उसके रसूलों पर ईमान लाओ आखिरत के दिन पर ईमान लाओ और तकदीर पर ईमान लाओ अच्छी हो कि बुरी हो इसे अरकान ईमान कहा जाता है इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद 31 दिसंबर को इसका जब एग्ज़ाम होगा उसमें जो लोग इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब होंगे उन लोगों को इनामात से भी नवाजा जाएगा